नाथुराम गौड़से, महात्मा नाथुराम गौड़से। आज का दिन हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन नाथुराम गौड़से ने महात्मा गांधी का वध किया था। तीन गोलियां दागकर उनका वध किया। इसी स्वरूप में आज तीन गोलियां दागी गईं, उनके शरीर से खून निकला, पुतली को जलाया। गांधी ने स्वयं कहा कि किसी गवर्नमेंट से उसका निर्णय बदलना कठिन हो जाए, लेकिन भारत सरकार ने एक नई परंपरा का शुभारंभ किया है। और वो परंपरा है कि जिस तरीके से गांधी को गोली मारी गई थी 30 जनवरी को महात्मा नाथुराम गौड़से द्वारा, तो उसी घटनाक्रम का एक पुनरावलोकन किया गया है और महात्मा गांधी के पुतला बना करके उसको गोली मारी गई है। ये करना जो है ठीक उसी तरीके से जैसे हर साल हम रावण जलाते हैं, ये जताने के लिए, ये बताने के लिए कि आने वाली पीढ़ी इस बात को जाने कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है, और जान सके कि रावण इतना पराक्रमी होने के बावजूद जो है उसके कर्म गलत थे, उसका कुछ डिसीजन गलत थे जिसके चलते जो है उसकी हार हुई और उसका वध हुआ। ठीक उसी तरीके से हम गांधी को देखते हैं कि हम मानते हैं कि उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान रहा होगा स्वतंत्रता को लेकर के, लेकिन उनका वो डिसीजन जिसने भारत माता का वध कर दिया, जिसने भारत माता के टुकड़े कर दिए, ऐसे में वीर हिंदूवादी नाथुराम गौड़से ने गांधी को गोली मार करके जो शौर्य का कार्य किया वो काबिले तारीफ है, वो वंदनीय है, वो पूजनीय है।